तो हावड़ा में प्लेटफॉर्म नंबर 21 में लगा वंदे भारत। इस प्लेटफॉर्म के पास आप लोगों को पूरा टैक्सी स्टैंड वगैरह मिल जाएगा। गाड़ी माड़ी सीधा उतरो, ट्रेन से गाड़ी में बैठो जाओ, जिसका घर वगैरह होगा या फिर प्री बुक टैक्सी वगैरह होगा। तो मैं आज खाली रात में ही रुकूंगा, तो श्योर नहीं हूँ बाहर रुकूंगा या फिर स्टेशन में रुकूंगा। जो भी होगा आगे आपको बताता जाऊंगा। तो जी, हावड़ा स्टेशन के बाहर ही आप लोगों को ये वाला यात्री निवास मिल जाता है। तो ये डॉर्मिट्री आप लोगों को आराम से मिल जाता है 250-300 रुपीज़ में पर डे, जितना टाइम भी आप रुको। ऑफलाइन बुकिंग ही रहता है, लेकिन अभी मैं गया तो बोले कि डॉर्मिट्री फुल है, और जो ऑनलाइन बुकिंग करना रहता है रेलवे स्टेशन का डॉर्मिट्री वो भी फुल है। तो ऐसे ही मैं बाहर आके रैंडमली घूम रहा हूँ। अभी बहुत ही बढ़िया लाइटिंग लग रहा है मेरे को हावड़ा के बाहर। सोच रहा हूँ रात में एसी का जो वेटिंग हॉल रहता है वहाँ पे रात गुजारूँ, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एक ही रात का बात है, सुबह ही मेरा वापस वंदे भारत का जर्नी है। स्टेशन के तुरंत पास ही आप लोग थोड़ा चल के आओगे तो सामने आप लोगों को ब्यूटीफुल हावड़ा ब्रिज। तो जी, ये रहा कोलकाता का फेमस येलो टैक्सी। तो जी, ये वाला है हावड़ा का बस स्टैंड। हावड़ा स्टेशन से आप लोगों को हावड़ा ब्रिज भी मिल जाएगा। तो जी, सच में आप लोगों का यहाँ पे वेलकम टू हावड़ा स्टेशन। मैं अभी आके पहुँच गया हूँ, देखो वीडियो भी बना नहीं पा रहा हूँ। ट्रेन का साउंड और प्लेटफॉर्म का साउंड, उसके साथ साथ चारों तरफ जिधर भी आप लोग देखो लोग ही लोग। तो जी, ये वाला है ओल्ड कॉम्प्लेक्स हावड़ा स्टेशन का, जिसमें हमारा वंदे भारत रुका है वो वाला नया कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रेन लगते हैं। तो किसी स्टेशन में क्या आप लोग ऐसे देखे हो, स्टेशन के बाजू से ही कार वगैरह जाता है सब, स्टेशन के अंदर ही लिटरली रोड है। यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे ही नॉर्मल चेयर पड़ा है सीटिंग में बैठते हुए मिल जाएंगे। बहुत ही बड़ा स्टेशन है, बहुत ही बड़ा, आपको लिटरली 2-3 घंटा लगेगा पूरा स्टेशन कवर करने के लिए। और ये ओल्ड कॉम्प्लेक्स में भी आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा फूड कोर्ट वगैरह मिल जाएगा। जन आर डोमिनोज मेरे को दिख रहा है, मियो अमोर वगैरह भी है। तो जी, यहाँ पे जन हार जो है, यहाँ पे मैंने चिकन बिरयानी खाया 115 रुपीज़, ठीक ठाक था, दिखा ये वाला बड़ा सा, तो सोचा कि चलो यहाँ पे खा लेते। रात का खाने का टेंशन ख़त्म, और मोस्ट वाली यहाँ पे आज मैं रुकूँगा एग्जीक्यूटिव लाउंज में। पर आर कौन सा बेटा। तो जी, यहाँ से होता है एंट्री, और ऐसे आप लोगों को 5 बेड मिलेंगे। ये 2 बेड, यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल जैसा रखा गया है, अगर कुछ हेल्पलाइन के लिए चाहिए यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे बाकी और 3 बेड है। यहाँ पे कवर्ड वगैरह दिया गया है, सामान वगैरह रखना चाहो तो। एसी है, रिमोट भी है, डस्टबिन वगैरह है, चेयर वगैरह भी दिया गया है। तो ये वाला मेरा रूम है, आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। यहाँ पे भी चेयर कवर्ड वगैरह है। तो यहाँ पे रहा वॉशरूम, तो वॉशरूम में भी आप लोगों को 2 वॉश मशीन मिल जाएगा, और यहाँ पे भी आप लोगों को एक वेस्टर्न स्टाइल का मिल जाएगा, यहाँ और 2, तो टोटली 3 वॉशरूम आप लोगों को वेस्टर्न स्टाइल का मिल जाएगा। तो जी, अभी फिलहाल लगता है कि इस डॉर्म में मैं अकेला हूँ। तो ये आप लोगों को ओल्ड कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगा, गृहम करके है ये, भैया बता रहे थे कि रेलवे के तरह से है। तो ये जो बेड है, मेरे को पर बेड आप अगर 8 रुकना चाहते हो तो 784 रुपीज़ आप लोगों को एसी मिल जाएगा। यहाँ पे कबर्ड वगैरह फैसिलिटी मिल जाएगा, और वॉशरूम आपको दिखाया बहुत ही बढ़िया था। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, तो जी यहाँ पे ये जो कर्टन वगैरह दिया गया है आप लोग देखो, तो ये रहा कुछ मेरे बेड का नज़ारा। ये कर्टन को पूरा चारों तरफ से मैं कवर कर सकता हूँ, तो जब मैं रात को सोऊंगा
तो और कोई आके डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो इसके लिए। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। प्राइस देखो 784 रुपीज़, कोई बोलेगा कि थोड़ा ज़्यादा है, बाहर जाके ढूंढ के होटल ले सकते हो, लेकिन ये वाला बहुत ही रीज़नेबल मेरे को लगा, क्योंकि पीछे एसी है और एसी काम भी कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। नीचे ही इनका फूड कोर्ट है, वहाँ पे वाटर कूलर वगैरह लगाया गया है, नीचे बैठने का भी सिस्टम है, 50 रुपीज़ पर आवर आप लोग देके लाउंज में बैठ सकते हो। तो मैं सोचा कि 8 घंटा बैठूंगा 400 रुपीज़ देके, कोई फ़ायदा नहीं, उससे अच्छा है कि यहाँ पे एक बढ़िया सा बेड मिला है मेरे को, आराम से 6-7 घंटे के लिए सो जाऊँ और कल सुबह मेरा जो ट्रेन है वो आराम से ले पाऊँ। तो अगर आप लोग ये रूम बुक करना चाहो तो आके ऑफलाइन में बुक कर सकते हो, गृहम करके है, 8 आवर्स के लिए आप लोगों को 784 रुपीज़, और उससे ज़्यादा अगर आप 12 घंटे ऐसे रुके तो उस हिसाब से प्राइस 1000 रुपीज़, 1200 रुपीज़, वो वैरी करता है, मैं ज़्यादा इंक्वायर किया नहीं। और आप लोगों को रूम भी मिल जाएगा, पर्सनल डबल बेड ट्रिपल बेड वाला, वो डिपेंड करता है आप लोग फैमिली में आते हो या फिर फ्रेंड्स लोग आते हो तो रुक सकते हो, लेकिन डॉर्म बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अगर सिंगल बंदे हो, क्योंकि AC भी चल रहा है, गर्मी का सीज़न है।